Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. ऋषभ पंत का जिक्र करा जैक ने वहां पार्थिव, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्योंकि ऋषभ पंत जब उस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, उस तरीके के शॉट्स लगाते हैं, रन्स बनाते हैं, हम सब तालियां बजाते हैं, लेकिन वो दो धारी तलवार है। आज भी हमने पिछले ओडीआई में देखा कितनी बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन यहां पर एक विकेट गया है पहली गेंद पर वो शॉट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? आई थिंक से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत से, मुझे अप्रोच से मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से वो खेलते हैं। अगर वो भी बाकी सारे बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी करने लगे तो वो ऋषभ पंत नहीं रहेंगे जो मैच विनर की हम बात करते हैं। आप एक चीज है कि यहाँ पर जो चीज है कि या तो एकदम बिल्कुल ही कुछ नहीं या फिर बहुत बड़ा स्कोर, उसमें से उनको कहीं ना कहीं अपना वो बैलेंस ढूंढना होगा। क्या वो अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं? अगर आप उनके आंकड़े भी देखेंगे तो जब जब उन्होंने अपने आप को 10-15 बॉल भी दिए तो उसके बाद शॉट सिलेक्शन आसान हो जाता है। जैसे ही आप उस ऐसे मुश्किल पिचों पे या इवन फ्लैट विकेट पे भी जब भी आप अपने आप को हल्का सा समय देते हैं 10-15 गेंद का, तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं पिच से, आप यूज्ड टू हो जाते हैं बॉलर की गति से, तो एग्जीक्यूशन और ज्यादा बेटर होता जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत उस तरह अपने आप को सोच सकते हैं कि कब चांस ले और किस बॉलर को चांस ले। तो देखो, पहले बॉल पे शॉट मारना तो बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल उतना बनता नहीं था, लेकिन वो अप्रोच कौन सा होगा और कब चांस लेना है उसके ऊपर जरूर विचार कर सकते हैं।